अभी पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से डर में है। ऐसे में ज्यादा डर जो है वो कोरोना का है या ज्यादा डर जो है वो हार्ट डिजीज का है? देखिए, कोरोना में अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया भर में 7,000 लोग मारे गए हैं, और हार्ट में हर दिन पूरे पूरे इंडिया भर में अगर 1 साल का देखेंगे तो 35 लाख लोग मारे जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गुलाब, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आप सब लोग जानते हैं डॉक्टर विमल झाजर जी को। ही इज़ अ ग्रेट कार्डियोलॉजिस्ट जिन्होंने बहुत सारे हार्ट ऑपरेशंस बचाए हैं और लोगों को इस हार्ट की प्रॉब्लम से बचाया है। जो लोग डरते हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम होना और उससे रिवाइव नहीं होना, वो एक गलत धारणा है। अगर आप जीवन शैली परिवर्तन करते हैं तो ऐसे हम स्वस्थ हो सकते हैं। आइए आज हम जानते हैं डॉक्टर विमल छाजर जी से। सर, वेलकम करता हूं मैं आपको हमारे व्यूवर्स के लिए। आज हमारे व्यूवर्स को आप बताइए, जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो क्यों होता है और उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखिए, लाइफस्टाइल डिजीज आज के दिन में पूरे वर्ल्ड भर में एक पैंडेमिक चल रहा है। जैसे कोरोना का पैंडेमिक मानते हैं, उससे कई गुना 100 गुना ज्यादा पावरफुल पैंडेमिक है, और आज कितने लोग मारे जा रहे हैं जिसका कोई गिनती नहीं हो सकता। पूरे वर्ल्ड में कोरोनरी हार्ट डिजीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज से 2 करोड़ लोग मारे जा रहे हैं, और इंडिया में हर दिन 9,000 लोग इस बीमारी से मारे जा रहे हैं। और ये बीमारी प्रिवेंटेबल है, कंप्लीटली प्रिवेंटेबल है। इसके कारण हम लोग को मालूम है, अगर हम उसका निदान करना चाहते हैं तो कारणों को हटाना पड़ेगा। और कारणों में क्या है, डाइट, खाने को चेंज करना है। तो हम लोग अगर नेचुरल खाने पे आ जाएं और तेल बिना खाएं, और हम लोग जितने तरह की फैट को निकाल दें, नॉन वेज बंद कर दें, तो आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व होता है। उसके साथ वॉकिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, अगर इन सबको कंबाइन कर दिया जाए तो हार्ट की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, मोटापा, ये सारों को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बड़ा पेंडेमिक को हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। कोरोना में पूरे इंडिया भर में 6,000-7,000 लोग मारे गए हैं, और हार्ट की बीमारी में हर दिन 9,000 लोग मर रहे हैं। मतलब पूरे 3-4 महीने में जितने लोग मरे हार्ट में, एक दिन में उतने लोग मरे इंडिया में। तो ये बीमारी बहुत बड़ा बीमारी है, और इसको प्रिवेंट करने के लिए आज हमारे कार्डियोलॉजिस्ट की जो तरीका है वो काफी नहीं है। बाईपास एंजियोप्लास्टी कितने आदमी को कर देंगे, आप करोड़ों लोग हैं, वो लोग लाखों को कर भी देंगे तो कितना हो जाएगा फर्क। तो आज के दिन जो जरूरत है वो है लाइफस्टाइल चेंज, और वो अगर ठीक से किया जाए तो ब्लॉकेज को रोकना नहीं, रिवर्स किया जा सकता है, और ये रिवर्सल आजकल प्रूवन है। उसके लिए आपको अपने खान पीन, रहन सहन में बदलाव करनी पड़ेगी, आपको हर दिन पैदल चलना पड़ेगा, योग की अभ्यास करनी पड़ेगी, तनाव कम करना पड़ेगा, और उसके बाद भी जरूरत हो तो थोड़ा बहुत एलोपैथी की दवाई या और कोई दवाई की जरूरत पड़े, जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा है, शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उसकी दवाइयाँ भी टेम्पोरेली किया जा सकता है। जब आप लाइफस्टाइल से इंप्रूव करो तो दवाइयाँ भी विथड्रॉ हो सकती है। तो मेरे ख्याल से आज के दिन में हमारी फोकस बदलना चाहिए लाइफस्टाइल की तरफ। दवाई और सर्जरी इसका रियल ट्रीटमेंट नहीं है, और यही मैं हर वक्त गुलाब जी को बोलता हूँ कि भाई आप लाइफस्टाइल पे जोर लगाइए, और वो ही डायरेक्शन सही है। सर, जैसे आपने बहुत बढ़िया बताया कि अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, और लाइफस्टाइल चेंज करने से चाहे मोटापा हो, चाहे डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, या ओबेसिटी हो, या हार्ट का प्रॉब्लम हो, खास करके हार्ट में हम रिवर्स कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस को रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि अचानक से जो दर्द होता है छाती में और हमको पता नहीं चल पाता है, क्योंकि हार्ट का कभी कभी पेन एसिम्प्टोमेटिक हो जाता है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि गैस्ट्रिक ट्रबल है या हार्ट प्रॉब्लम है। तो उसके प्रिवेंशन के लिए जैसे आपने बताया डाइट, और मैंने काफी सुना भी है कि साउल जो है वो फोकस्ड करता है जीरो ऑयल कुकिंग के ऊपर। मैं चाहूंगा हमारे गेस्ट को, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको अगर आप बताएं कि ये जीरो ऑयल कुकिंग एक्चुअली है क्या, और कैसे आप लोग यहाँ पर करते हैं इसको। देखिए, जो ब्लॉकेज बनती है वो उसमें फैट जमती है, और फैट दो तरीके का होता है। एक होता है कोलेस्ट्रॉल, जो नॉन वेज खाने में मिलता है, दूध में मिलता है। दूध में एक ब्यूटी है कि उसमें से फैट निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल का चैप्टर खत्म। ट्राइग्लिसराइड होती है ऑयल, और जितनी भी ऑयल जमती है उसको हम लोग को रोकना है तो बाहर से सप्लाई बंद करनी पड़ेगी। हमने देखा ऑयल का टेस्ट नहीं होता, आप 1 चम्मच तेल अपने मुंह में डाल के देखिए, उसमें कोई टेस्ट नहीं है। लोगों की ये धारणा है कि तेल से ही
टेस्ट आता, पर ये एकदम गलत बात है। तेल मसालों को भूनने में काम लिया जाता है। एक ही चीज हम लोग ने जिंदगी भर में सिखाया, लाइफ बाय लाइफ परंपरा से ये सिखाया गया कि तेल से या घी से मसाले को भूनना पड़ता है। हम लोग ने एक नया प्रोसेस चालू किया, तेल घी नहीं देना, आपको पानी से मसाले को भूनना है। और वो पानी से कैसे भूनना है वो हम हार्ट के पेशेंट्स को बना के सिखाते हैं, उनकी वाइफ लोगों को एडमिट करके उनको सिखाते हैं, और वो जब खाना समझ जाते हैं तो वैसे बनने लग जाता है। अच्छा, खाने में टेस्ट में इसलिए फर्क नहीं होता कि मसाले सारे होते हैं, और मसाले को भूनने का काम हम लोग पानी से करवा लेते हैं। तो ये जीरो ऑयल कुकिंग अगर आप देखते हैं तो ये गरीबों में काफी चल रहा है। मेरे घर पे एक मेड सर्वेंट है, बोलती है हम लोग भी जीरो ऑयल खाते हैं। बोला क्यों? बोला हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए। वो बोलते हैं हमारे पास पैसे नहीं, हम तो पानी का तड़का लगाते हैं। पैसे वालों के यहाँ आके पता चला कि ये लोग कितने बुद्धू हैं, इनके यहाँ पानी तो फ्री का मिलता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे, घी तक खरीद करके उसमें सब्जी बना रहे हैं। तो उनको लग रहा था, बोलते तो यहाँ आके हमको समझ आया ये लोग कितने गलत काम कर रहे हैं। और इसलिए देखेंगे गरीबों को हार्ट की बीमारी नहीं होती, पैसे वालों की होती है। तो ये घी खा खा के, तेल खा खा के ये हार्ट की बीमारी पैदा कर रहे हैं, और फिर डॉक्टर्स को जाके बोलते मेरे को हार्ट अटैक हो गया, मेरा ऑपरेशन करवा दो। तो ये अपने से ही अपना मतलब, वो बोलते हैं ना जिस पेड़ में बैठो उसी को ही काट रहे हो। तो यही काम कर रहे हैं हमारे लोग। तो ये ऐसा ही हुआ कि आप बैल मुझे मार, तो पहले तो हमने गलत धारणा से जो ऑयल कंजम्पशन बढ़ाया, और उससे फिर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हुआ, फिर हार्ट प्रॉब्लम हुई, फिर हमने दवाई और बाईपास करके अननेचुरल भी अपनाया। सर काफी हद तक ये भी काफी वीडियोस रहते हैं यूट्यूब पे, आपके भी मैंने काफी सुने हैं, और वन ऑफ यू आर माई फेवरेट की यानी एक जो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पे आप जो जोर देते हैं, आज जीवन में सब लोगों को उसकी आवश्यकता है। सर मैं चाहूंगा कि फिजिकल एक्टिविटी या जो व्यायाम है उसका हार्ट के पेशेंट्स के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ता है? जैसे डाइट तो मेजर रोल प्ले करता ही है, पर क्या फिजिकल एक्टिविटी? फिजिकल एक्टिविटी में हम लोग दो चीज बोलते हैं। तो पैदल चलना ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, बिना पैसे का है और हर के पास अवेलेबल है। तो हर दिन 35 मिनट वॉकिंग करना चाहिए, और उसके संग हम लोग योग व्यायाम सिखाना चाहते हैं। मेडिटेशन भी उसका पार्ट है, पर योग व्यायाम बहुत जरूरी है, उससे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और इन दोनों को कंबाइन करके हमने देखा है इम्प्रूव कर जाता है, उनकी जो शुगर है कंट्रोल हो जाती है, बीपी जो है कंट्रोल हो जाती है, मोटापा कम हो जाता है। तो फिजिकल एक्टिविटी आई वुड से डाइट के बाद वही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हार्ट को हेल्प कर सकता है। और तीसरा है स्ट्रेस, तनाव कम करना। ये तीनों अगर ठीक से करें तो आधे प्रॉब्लम तो वहीं से सॉल्व हो जाते हैं। तो जैसे जिस प्रकार सर ने बताया कि डाइट और फिजिकल एक्टिविटी ये दोनों अगर हम अच्छा कर लें तो हार्ट की प्रॉब्लम से हम पूरी तरह से बच सकते हैं। सर मेरे व्यूअर्स कभी कभी इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि हार्ट के पेशेंट्स को दवाई लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तो सर मान लीजिए अगर हार्ट का पेशेंट है और उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल, ट्राइग्लिसराइड लेवल और ऑल दी पैरामीटर्स, ब्लड प्रेशर, एवरीथिंग इज कमिंग नॉर्मल, सब नॉर्मल आ रहा है, उसके बाद उसको मेडिसिन कंटिन्यू करना चाहिए या मेडिसिन टेपर करके छोड़ना चाहिए? या देखिए हमारे सावर में हम लोग क्या करते हैं, हम पहले उनको बोलते हैं कि देखो आज के दिन हमें कंट्रोल चाहिए बीपी शुगर सब चीज, तो आज एलोपैथी की दवाई दे देते हैं, ब्लड पतला करने की दवाई दे देते हैं। आप जैसे इसको फॉलो करने लगोगे और मेरे फिगर से कम लाने लगोगे आपकी फिगर्स, तब हम कम कर पाएंगे। जैसे कोलेस्ट्रॉल हमें 130 चाहिए, तो 130 लाएंगे तो मैं दवाई विड्रॉ नहीं करूंगा, जब आप 120 लाने लगोगे तब दवाई विड्रॉ की टाइम आ गई। ब्लड प्रेशर की गोली देके मैं 120 ले आया आपका, अब आप 110 लाओगे तब दवाई हटा पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि बीपी, एक बार बीपी की दवाई ली और आपका 120 आ गया और जैसे 120 आपने बंद कर दिया, नो बंद कर देंगे तो फिर बढ़ जाएगी। तो दवाई कंटिन्यू रखिए तब तक जबकि आप हमारे फिगर से भी नीचे ना। तो ये बहुत सारे लोग कर देते, शुगर कंट्रोल हो गया दवाई से और अब दवाई बंद कर दो और फिर वो बढ़ जाती है। तो दैट वी शुड अलाउ, डू नॉट अलाउ। हम लोग ये बोलते हैं भाई आप दवाई ले लो, और दवाई अगर विड्रॉ भी करना चाहते हो नेक्स्ट डे वापस चेक कर लो, अगर शुगर बढ़ गई है तो फिर दवाई चालू करना पड़ेगा। तो दवाई की भी रोल है, बिकॉज दवाई का एक फायदा है कि इमीडिएट असर हो जाता है। और हार्ट के पेशेंट को हम लोग पेंडिंग नहीं रख सकते कि चलो एक महीना बाद अगर नहीं हुआ तो दवाई दे देंगे, एक महीने में उसको हार्ट अटैक हो सकता है, तो हम लोग उसको पेंडिंग नहीं रखते हैं। बोलते दवाई लेके अभी जो जो करना मैं कर देता हूँ, बाकी आप इसको जितना ज्यादा करोगे उतनी हम दवाई हटा पाएंगे। इट वर्क्स वेरी गुड। तो यानी जैसे जैसे अगर कोई हार्ट का पेशेंट लाइफस्टाइल चेंज करता है और नेचुरल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना चालू करता है, डाइट करेक्शन करता है, एक्सरसाइज करता है,
तो वो हम धीरे धीरे मेडिसिन को टेपर कर सकते हैं और पूरी तरह से मेडिसिन के बिना भी हम रह सकते हैं। सर इसमें एक चीज और कहते हैं कि यानी लॉन्ग टर्म तक अगर कोई हार्ट की मेडिसिन लेता है तो उनको साइड इफेक्ट्स ज्यादा होते हैं, तो उस विषय में यानी अगर हमको नेचुरल वे में कैसे डिटॉक्सिफाई करें, जैसे हम नेचुरोपैथी के हॉस्पिटल में तो सर हम नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स देते हैं, उनको अच्छी डाइट देते हैं, आप मतलब कैसे यहाँ देखिए, पर सॉल्व भी करते हैं सर? लॉन्ग टर्म में दवाई चलेगी या नहीं चलेगी उनकी रिपोर्ट्स बताएगी। हाँ हम लोग बहुत सिंपल चलते हैं भाई, हमें तो रिजल्ट चाहिए। आप कैसे लाओ वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, हम चाहते हैं लाइफस्टाइल से लाओ। और मैंने बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनके डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, हार्ट की दवाइयां बंद करी है, पर ये नहीं कि सबको ब्लैंकेट बोल दो दवाई बंद करके और इसी पे आ जाओ ना। हम कंट्रोल चलेंगे, मेजर करेंगे, और मेजर कर करके जैसे जैसे होगा। देखिए हर एलोपैथी दवाई की साइड इफेक्ट होती है, पर हर को होना जरूरी नहीं है। जैसे सॉर्बिट्रेट से 100 आदमी को देंगे तो 2 आदमी को सर दर्द होगा, पर 98 को तो हम सॉर्बिट्रेट देते सकते हैं। तो वो एक प्रोसेस है, एलोपैथी की दवाई का साइड इफेक्ट होता है, पर ज्यादातर अच्छी दवाइयां जो होती हैं उनकी साइड इफेक्ट कम होती है, और एक दो लोगों को होता है, तो जिनको होता है उनको हम दवाई बदल के दूसरी दे देते हैं। पर दवाई चलना चाहिए हार्ट के पेशेंट के लिए स्पेशली, बिकॉज अगर नहीं दिया तो उनकी और क्राइसिस होने के चांसेस है। और हार्ट का पेशेंट आता है तभी हमारे पास है जब उसकी ब्लॉकेज काफी बढ़ जाती है, तभी आता है, उससे पहले वो आता ही नहीं है, उसको मालूम ही नहीं होता है। तो जब आ जाता है और क्राइसिस में है तब तो हम दवाई बंद नहीं कर सकते, जब वो इम्प्रूव करता है तो धीरे धीरे दवाई कम होते रहती है। नहीं सर, मैंने ये आपका बात सही है, और काफी आपका मैंने ये सुना भी है कि बाईपास दी बाईपास नेचुरल बाईपास, मतलब एक तो है कि आप मेडिकल में जाइए बाईपास कराइए और हार्ट की प्रॉब्लम से बचिए, पर आपका जो ब्रांड है साउल ब्रांड है, मतलब वो अब ब्रांड ही हो गया है सर, ओवरऑल लॉट मेनी पीपल फॉलोज, वो पेशेंट्स फॉलो करते हैं और काफी रिजल्ट मिलते हैं। सर एक्चुअली नेचुरल बाईपास कैसे वर्क करता है और क्या हम उसमें करते हैं सर? देखिए एक नई मशीन आई है हमारे हार्ट में, एक ट्यूब तो है वो ब्लॉक्ड है, उसके सारे एक एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब पड़ी है, और वो बंद पड़ा होता है क्योंकि हम मेहनत नहीं करते हैं। जो लोग खिलाड़ी दौड़ते रहते हैं तो उनकी वो एक्स्ट्रा सेट ऑफ ट्यूब चालू हो जाती है, तो एक मशीन बराबर हार्ट के पेशेंट को भगा भी नहीं सकते, दौड़ाने नहीं सकते, तो एक ऐसी मशीन बनी है जिसका नाम है ECP मशीन। उस पर लिटा के हम लोग पैर के मसल्स को स्क्वीज करवाते हैं हर बीट के साथ, और हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ाते रहते हैं, उससे वो सारे कोलैटरल्स खुल जाते हैं। इसमें ना कोई ऑपरेशन की जरूरत है, ना कोई एडमिशन की जरूरत है, 1 घंटा आइए और वो मशीन से इलाज होता है। उसमें हार्ट में हजारों नई ट्यूब खुल जाती है, हमने नहीं बनाया, वो ट्यूब ऑलरेडी थी, हमने सिर्फ प्रेशर दे के उनको एक्टिवेट कर दिया, तो वो जब चालू हो जाता है तो फिर बाईपास की जरूरत ही नहीं है। और उसके साथ हम डिटॉक्सिफिकेशन भी करते हैं जिससे ब्लॉकेज भी कम होती है। तो सावल में चारों चीज करते हैं हम लोग, खान पीन, रहन सहन, लाइफ स्टाइल, एलोपैथी की दवाइयाँ, नेचुरल बाईपास और डिटॉक्सिफिकेशन, ये चारों मिला के हमारी ट्रीटमेंट है। और इंडिया भर में हमारे 93 सेंटर्स अभी चल रहे हैं और ये बढ़ता जा रहा है, तो हम लोग को लगता है अब धीरे धीरे छोटे छोटे शहरों में भी हमारी प्रिवेंटिव हार्ट क्लिनिक्स खुलेंगे, एंड दे विल डू देयर नीडफुल, क्योंकि आम आदमी तक ये बात पहुँचाना है, और हम लोग के एम ये है कि एक दो नहीं, हम तो करोड़ों लोगों तक पहुँचना चाहते हैं। जैसा सर ने बताया कि अगर इजी रीच होगा लाइक 93 ब्रांचेस इज अ ह्यूज, और मैं चाहूँगा कि अगर बहुत जगह होगा तो इजी रीच होगी, तो इजीली हम लोग जो है नेचुरल लाइफस्टाइल और ये खान पीन से हम चेंज करके हार्ट प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, जिस प्रकार अभी पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से डर में है, मतलब पूरा डरा हुआ है, हर एक आम आदमी डरा हुआ है, इवन दो डॉक्टर्स को भी काफी हद तक तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि हाउ दी कोरोना वायरस जो है वो कैसे एक्ट करेगा, तो अभी वो सब चीजें चल रही हैं और ट्रायल पे हैं, वैक्सीन भी नहीं आया है, ऐसे में ज्यादा डर जो है वो कोरोना का है या ज्यादा डर जो है वो हार्ट डिजीज का है? देखिए कोरोना में अगर आप देखेंगे पूरे इंडिया भर में 7,000 लोग मारे गए हैं, और हार्ट में हर दिन पूरे पूरे इंडिया भर में अगर 1 साल का देखेंगे तो 35 लाख लोग मारे जा रहे हैं। तो हार्ट की बीमारी बहुत बड़ा है कोरोना के आकार से, बस कोरोना का ज्यादा मीडिया पब्लिसिटी हो गई है, लोग ज्यादा डर रहे हैं, पर कोरोना से इसलिए भी डरने की जरूरत नहीं है कि अगर 100 लोगों को कोरोना होगा तो उसमें 1 या 2 के ही डेथ हो गए, और हार्ट अगर 100 को हुआ तो उसमें 50 की डेथ हो सकती है, 70 की डेथ हो सकती है। तो हार्ट की बीमारी कोरोना से बहुत बड़ा है,
कोरोना से हम लोग अभी डर रहे हैं क्योंकि इसकी मीडिया पब्लिसिटी हो गई है, बहुत ज्यादा हल्ला हो गया है, पर कोरोना सिर्फ 1-2% को ही मार सकता है, 100 में से 1-2 को। तो इसलिए आम आदमी को डरने की इतनी जरूरत नहीं है, पर प्रिकॉशन जरूर लीजिए कि आपको ना हो। इम्यूनिटी बढ़ाइए, अपनी रेजिस्टेंस पावर बढ़ाइए, उसके लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे जोर लगाइए, और जितना हो सके विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, जिंक, ये सब आपके बॉडी में जानी चाहिए। और ये जैसे लहसुन है, अदरक है, हल्दी है, ये हमारे नेचर से आती है, ये हमारे इम्यूनिटी को काफी बढ़ाती है, तो इनको सेवन करिए तो इससे आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। तो बहुत ही सटीक बात सर ने इन शॉर्ट बताई है कि लाइफस्टाइल चेंज करें, हर्बल मेडिसिंस लें, जो मेडिसिंस हमारे किचन में अवेलेबल है। अगर किचन की मेडिसिंस लेंगे तो अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ा सकते हैं। और एक ही चीज होती है जीवन में, अभी भी हम देख रहे हैं कोरोना की जिस प्रकार दवाई नहीं है, आयुष मिनिस्ट्री चाहे गवर्नमेंट केवल एक चीज पे फोकस है कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए। और आज हमने डॉक्टर विमल छाजल जी से भी यही सीखा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे तो चाहे वो कोरोना हो, चाहे वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, लाइफस्टाइल डिजीजेस हो, उनसे बच सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमारे दर्शकों को बताया खास करके जीवन शैली के संबंधित बीमारियों से कैसे बचें। थैंक यू सो मच।